इत्तेहाद ना होने का नुकसान। तहरीर बाय रुबीना नाज। ये बहुत पुरानी कहानी है। किसी जंगल में चार गायें रहा करती थी, जो हमेशा साथ साथ रहती थी, साथ साथ चढ़ने जाती थी, साथ साथ खाती थी, साथ साथ पीती थी और खतरे में हर एक का बहुत ख्याल रखती थी। अगर कभी किसी को किसी मुश्किल में देखती तो खुद इसकी मदद के लिए आगे आ जाती। इन चारों गायों का आपस के इत्तेहाद का ये हाल था कि कभी शेरों और चीतों को भी इन पर हमला करने या उन्हें हड़प करने की जरूरत ना होती थी। मगर फिर भी सभी शेर और चीते इन चारों पर नज़रें रखा करते थे और इस तलाश में रहते थे कि जैसे ही मौका मिले वो इन पर हमला करके उन्हें खा जाएं। लेकिन इनमें एक शेर ने ख़ास तौर से इनकी निगरानी शुरू कर दी और उन्हें अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देता था। इसके बावजूद इसे कभी ऐसा बेहतरीन मौका नहीं मिला जो वो अपनी ख्वाहिश को पूरा कर पाता और इसके नतीजे में इन गायों को अपना शिकार बना लेता। एक रोज़ न जाने क्या हुआ कि इन चारों गायों की बदकिस्मती थी कि इनमें आपस में झगड़ा हो गया और वो चारों एक दूसरे से जुदा होकर अलग अलग अपनी मर्जी की चरागाहों में घास चरने चली गईं। जैसे ही ये बात शेर और चीते के इल्म में आई वो खुशी से खिल उठे। चुनाचा उन्होंने इन गायों की इस गलती से फ़ायदा उठाते हुए उन्हें शिकार करने का फैसला कर लिया। काफ़ी सोच विचार के बाद शेर और चीते ने इन पर हमला करने का मौका तलाश कर ही लिया। उन्होंने पहले से खुद को जंगल में झाड़ियों के पीछे छुपा लिया और अकेली गाय का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही इन चारों में से एक गाय तन तनहा इनके करीब झाड़ियों के पास आई तो इन दोनों ने एक साथ इस पर हमला कर दिया और लम्हों में अपने खाने का इंतज़ाम कर लिया। इस तरह एक एक करके चारों गायें इस शेर और चीते का निशाना बन गईं। तो दोस्तों, इस कहानी का सबक ये है कि इत्तेहाद में सलामती है। जो लोग अलग अलग रहते हैं और मिलकर नहीं रहते वो बहुत जल्द दुश्मन का शिकार बन जाते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की कहानी है। तहरीर बाय फातिमा साजद। एक हरे भरे जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। जंगल में एक नदी भी थी जहां जंगल के तमाम जानवर पानी पीते थे। इर्द गिर्द झाड़ियों के झुंड थे, रंग बिरंगे फूलों की बेलें थीं और सरसब्ज और शादाब पलंगदार दरख्त भी थे। इनमें बादाम अखरोट भी थे। फूलों की बहुतत थी जिसकी वजह से जगह जगह शहद के छत्ते लगे थे। शहद रीछ को बहुत मरखूब है। शहद का छत्ता देखकर उसके मुंह में पानी भर आता है। एक पतले से दरख्त पर ग्लेरी रहती थी। ग्लेरी एक मेहनती जानवर है। दिन भर इधर उधर जाकर बादाम अखरोट और शहद का जखीरा रखती है ताकि बुरे वक्त पर काम आ सके। ग्लेरी एक साफ सुथरा जानवर है और अपने इर्द गिर्द का माहौल जर्द पत्तों और छोटी छोटी टहनियों से साफ सुथरा रखती है। एक दिन वो अपने घर की सफाई कर रही थी कि एक रीछ भटकता हुआ खुराक की तलाश में आ निकला। उसे देखकर ग्लेरी दरख्त पर चढ़ गई। रीछ का ध्यान उसके घर की तरफ गया। उसने देखा कि वहां बहुत से बादाम अखरोट और शहद जमा है। उसने ग्लेरी से कहा, इनमें से मुझे कुछ खाने को दो। ग्लेरी ने कहा कि उसने बुरे वक्त के लिए संभाल कर रखे हैं। अब समझो बुरा वक्त आ गया है। अगर तुमने मुझे ना दिया तो मैं इस पतले दरख्त को हिलाऊंगा और ये सारी चीजें नीचे गिर जाएंगी। तुम मुंह देखती रहना, तुम्हें अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। बेचारी ग्लेरी बहुत परेशान हो गई कि इस मुसीबत से कैसे निजात हासिल की जाए।
वो देख रही थी कि रीच बहुत जानदार है, गुस्से में आ गया तो वाकई में चीजें गिरा सकता है जिससे सर्दियों में उसे मुश्किल आएगी। वो सोच में पड़ गई। आखिर उसे एक तरतीब जहन में आई। वो मुस्कुराई और कहा, मुझे ये अशिया देने में हर्ष नहीं, मगर ये बहुत ही थोड़ी सी हैं। इससे तुम्हारा पेट नहीं भरेगा और मेरे पास भी कुछ नहीं रहेगा। मुझे एक ऐसी जगह का इल्म है, वहाँ बहुत सा शहद, बादाम, अखरोट हैं। ये सुनकर रीच के मुंह में पानी भर आया। उसने जल्दी से कहा, जल्दी करो, मुझे वो जगह दिखाओ। गिलेरी ने कहा, मैं तुम्हारे ऊपर बैठती हूँ, वहाँ तक चलते हैं। रीच खुशी खुशी मान गया। गिलेरी उसके सर पर बैठ गई और कहा, सीधा चलो, बाएं से दाएं चलो। हाँ, अब आगे से दाएं लो और फिर सीधे सीधे चलते जाओ, जरा तेज बाएं चलो। अब रीच ज्यादा शहद की लालच में भागता रहा। गिलेरी ने कहा, अब रुक जाओ। रीच की सांस फूल गई थी। गिलेरी ने उससे उतरते हुए कहा, सीधा कार में घुस जाओ, वहां शहद का बड़ा जखीरा मौजूद है, पेट भर कर खाना। रीच जल्दी से गार में घुस गया। वो गार शेरों का मस्कन था। जब उन्होंने रीच को बिना इजाजत गार में घुसते हुए देखा तो वो उस पर झपट पड़े। भूखे रीच ने बड़ा मुकाबला किया मगर शेरों के सामने ना ठहर सका और जान की बाजी हार गया। गिलेरी ने कुछ देर इंतजार किया। जब शेरों की आवाजें मध्यम हो गईं, तो वो समझ गई कि लालची रीच अपने अंजाम को पहुंच गया। वो जंगली फूलों को खाती हुई अपने घर की तरफ रवाना हो गई। देखा बच्चों, लालच बुरी बला है। रीच लालच ना करता तो गिलेरी से कुछ हासिल कर लेता और ऐसे अपनी जान से ना जाता। प्यारे बच्चों, अकलमंद किसान, हम आपको एक किसान की कहानी सुनाते हैं। क्या आपको मालूम है कि किसान किसे कहते हैं? ये तो आप सब जानते होंगे कि अल्लाह पाक हमारे लिए खाने पीने की सारी चीजें, चावल, गंदम, दालें वगैरह और सारे फल, सेब, आम, अंगूर वगैरह जमीन से उगाते हैं। ज़मीन को खोदा जाता है और ज़मीन में बीज डाले जाते हैं, फिर अल्लाह ताला उसमें से अनाज और फल उगाते हैं। जो शख्स ज़मीन पर मेहनत करता है, उसे खोदता है और उसमें बीज डालता है, उसे किसान कहते हैं। ये कहानी भी एक किसान की है। उसका नाम अहमद था। अहमद के 3 बेटे थे। वो अपने घर में बहुत खुश थे, लेकिन अहमद एक बात से बहुत परेशान था कि उसके बेटे बहुत सुस्त और कामचोर थे। वो कामकाज में बिल्कुल उसकी मदद नहीं करते थे। आखिर बहुत सोचने के बाद उसके जहन में एक तरकीब आई। उसने अपने बेटों को जमा किया और उनसे कहा कि प्यारे बेटों, हमारी ज़मीन के अंदर ख़जाना छुपा हुआ है और मैं उसे निकालना चाहता हूँ, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूँ, केला ये काम नहीं कर सकता। इसलिए अगर तुम मेरे साथ मिलकर ख़जाने की तलाश करो, इसलिए अगर तुम मेरा साथ दो तो हम मिलकर ये काम कर लें। सारे बेटे ख़जाने की तलाश पर राज़ी हो गए और उन्होंने ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया, लेकिन उनको ख़जाना ना मिला। उन्हें ये देख बहुत गुस्सा आया कि उनके वालिद ने उनसे झूठ कहा। उन्होंने अपने वालिद से शिकायत की तो उनके वालिद ने कहा कि मेरे प्यारे बेटों, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? झूठ बोलना तो बहुत बुरी और गंदी आदत है और मुसलमान तो कभी झूठ नहीं बोलते। मैंने तुम्हें कहा था कि इसमें ख़जाना है,
तो मेरे प्यारे बेटों, ये झूठ नहीं बल्कि सच है, लेकिन तुम जल्दी कर रहे हो और जल्दी का काम शैतान का होता है। तुम वो करो जो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बीज लो और ज़मीन में डाल दो। जब सारे बेटों ने मिलकर बीज ज़मीन में डाल दिए तो किसान ने कहा, आओ अब वजू करो और नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह बारिश फरमाए। सब ने वजू किया, नमाज पढ़ी और बारिश की दुआ की। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और खूब बारिश हुई और कुछ ही दिनों में ज़मीन में पौधे उगने शुरू हो गए। किसान ने अपने बेटों से कहा, देखो ये है वो ख़जाना जिसका मैंने तुमसे कहा था कि जब कोई शख्स मेहनत करता है तो उसका फल उसको ज़रूर मिलता है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की कहानी आप सबको बेहद पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। मिलते हैं अब एक नई कहानी के साथ।